वर्ल्ड कप 2023 के अंदर टीम इंडिया की दहशत है, टीम इंडिया का भौकाल है, टीम इंडिया का ही शोर है। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर टीम इंडिया की एक के बाद एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते हैं टीम इंडिया कोई भी कॉम्पिटिशन नजर नहीं आता। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना शुरू होती है एज यूजुअल। उसमें से कुछ कुछ पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी नहीं है, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है आपको याद होगा हसन राजा साहब, उनके जो बयान आए थे वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब बयान थे कि जो आईसीसी है यहां पर बीसीए को फेवर कर रहा है, एक अलग किस्म की गेंद देता है, कभी कुछ करता है, एक अलग किस्म की पिचेस हो जाती है, जो अंपायर है वो सोल्ड है बीसीआई के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती है पाकिस्तानियों की तरफ से, लेकिन इसके बाद वसीम अकरम थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देती है और कहीं ना कहीं हसन राजा को फटकार भी लगाते हैं। और अब मोहम्मद शमी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज, जिन्होंने 3 मैचेस के अंदर आते के साथ ही अपना भौकाल मचाया और आते के साथ ही बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किए और अब हाईएस्ट विकेट टेकर है वर्ल्ड कप 2023 के अंदर टीम इंडिया के, यानी कि 3 मैचेस के अंदर जो मोहम्मद शमी ने कारनामा करके दिखाया उसके बाद से पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ एक गूंज है मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी आएंगे विकेट दिलवाकर जाएंगे। और मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से यहां पर पाकिस्तानियों को लताड़ा है, और सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं सुनाई है, अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई है, और कहीं ना कहीं वसीम अकरम के उस बयान को भी हाईलाइट कराया। तो क्या बोला है वसीम अकरम ने, आइए जानते हैं। तो आखिर क्या बोला है मोहम्मद शमी ने, आइए जानते हैं। तो मोहम्मद शमी ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो शेयर किया और साथ में बड़ा लंबा सा मैसेज लिखा है, जहां पर उन्होंने लिखा है, शर्म करो यार, गेम पर फोकस करो ना कि फालतू बकवास पर, कभी तो दूसरे की सक्सेस को एंजॉय किया करो। छी यार, आईसीसी वर्ल्ड कप है, कोई आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं है, और आप प्लेयर ही थे ना, वसीम भाई ने समझाया है, एक्सप्लेन किया था, फिर भी हाँ, आपने अपने प्लेयर अपने वसीम अकरम पर ही यकीन नहीं करोगे, अपना तारीफ करने में ही लगे हैं जनाब, आप तो जस्ट लाइक अ वाओ। वो तो यहाँ पर सरकास्टिक जवाब दिए हैं भाई मोहम्मद शमी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कहीं ना कहीं वसीम अकरम को एग्जांपल दिया कि वसीम भाई तो आपके देश के सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने इतना समझाया आप सबको, लेकिन फिर भी आपके अकल ठिकाने नहीं आते, यूं नहीं कि आप जो दूसरा देश जो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है उसको सेलिब्रेट करो, उसको अप्रिशिएट करो, बजाय कि आप उसकी कमियाँ निकालते रहते हो कि ये अभी भी यहाँ से गलत है, यहाँ से गलत है, फिक्स्ड है ये, फलाना है। तो बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट के ऊपर, इंडियन क्रिकेट टीम बॉलर्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये कुछ बातें जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सामने आती है, उसके बाद पूरा पाकिस्तान की बेइज्जती होती है, जो कि वसीम अकरम ने भी बोला था कि यार आप अपनी करा दे तो कराओ, पूरी पाकिस्तान की बेइज्जती मत कराओ। मिकी आर्थर साहब का भी जो अलग अलग किस्म के बयान होते हैं वो वायरल होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट जो खुद लैक कर रही है इतनी ज्यादा, लगातार 4 मुकाबले हार के आ रही है, हर मुकाबले के अंदर 300, 350, 400 रन बोर्ड के ऊपर लगवा रही है, और खुद की जो ओपनिंग जो स्टैंड है उसके अंदर सिर्फ एक फखर जमान एक नया सितारा बनकर आ गया, जो कि फखर जमान एक नई इनको देन प्राप्त हो गई, जो कि लगातार अच्छा कर रहा है पिछले 3-4 मैचेस से। उसके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि बड़ा स्ट्राइक रेट आपको ऑफर कर रहा हो, जहां पर सारी टीम्स 300 सवा 300 बोर्ड के ऊपर लगा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी, कैसे रही आपको मोहम्मद शमी की बैशिंग कमेंट सेक्शन में।